अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बहुत ख़ास पॉइंट एलोबरेट करना चाहता हूँ जिसको तकरीबन बहुत वक्त से लोगों ने सोचा नहीं। तो ऐसे तो बहुत विजडमफुल पॉइंट्स हैं कुरान में, लेकिन देखिए सबसे पहली जो आयत उतरी इक़रा बिस्मी, तो आपको ताज्जुब होगा ये सूरह अलक जिसे कहते हैं। तो ये पहली सूरत है, कुरान की पहली आयत है। तो पहली आयत में आप देखेंगे इसमें कहा गया इक़रा। इक़रा के मायने हैं पढ़, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, यानी कि खुदा ने सबसे पहले जो आयत उतारी इक़रा उतारी और पढ़। और चूँकि पढ़ने के लिए ना कुरान था, ना महफूज हालत में बाइबिल थी, और ना ही कोई दूसरी किताब थी, ना वहाँ सऊदीया में जहाँ पर ये वही आई पहाड़ पर जहाँ बैठे हुए तक आ रहे हीरा में, वहाँ पर ना कोई वेद था, ना गीता थी, ना रामायण थी, कुछ भी नहीं था, और फिर भी कहा गया पढ़। तो दरअसल हम जो वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, प्रॉफेट को पढ़ते हैं, प्रॉफेट ने कहा है कि सबसे अच्छी चीज़ जो खुदा ने दुनिया में उतारी है, सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसकी तारीफ़ की है, वो है इंसानी अकल। तो इंसानी अकल को विजडम देना चाहता है अल्लाह। तो कुरान ये चाहता है कि अल्लाह ताला जो ने हमें दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, इसको खोले रखें। और इसकी एक मिसाल फिर आगे भी मिलेगी कि पढ़ने के बाद रसूल क्या पढ़ते, लोग बाग कहने लगे कि अब कोई वही नहीं आ रही है, क्या बात है, वही आना क्या बंद हो गई है, आपने कहा था मुझे वही आई है, पढ़ने के लिए कहा है, क्या पढ़े हम। तो ऐसे चलता रहा, लेकिन वो अल्लाह के जो मकसद था वो विजडम से था, प्रैक्टिकल विजडम आनी चाहिए हमें, कि जो कुछ हम करते हैं हमें अल्लाह ने ऐसा ब्रेन दिया है कि अगर हम चाहते हैं तो 100% सच्चाई को पहचान सकते हैं। जो गलत काम हम करते हैं, जो शिरक हम करते हैं, जो गलत पूजाएं हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, उससे अलग बच सकते हैं। तो फिर प्रॉफिट की भी मिसाल है कि प्रॉफिट ने जंग बदर के बाद में जब बहुत से लोग गिरफ्तार हुए उसमें, तो उसमें यहूदी थे और भी लोग थे, तो बहुत ख़तरनाक मुजरिम थे वो, उनको इस शर्त पर रिहा करने के लिए कहा गया कि आप हमारे लोगों को पढ़ा दीजिए और जो आप जानते हैं वो सिखा दीजिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त चंद लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, और प्रॉफिट ने इसकी अहमियत को समझा, लोगों ने ख़तरा बताया कि ये ऐसा अगर आप करेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, उस ख़तरे को भी इन्होंने बर्दाश्त किया। तो इक़रा के मायने कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, मदरसे खोलना नहीं है, बल्कि इक़रा के मायने जो है अपने आप को मॉडर्नाइज़ करना है, अपने ज़माने को भी जानना है और अपने सबका ज़माने को भी जानना है, और अपनी जो प्लानिंग बनानी है ज़िंदगी में, जिसे रीप्लानिंग भी कहते हैं, जिसमें आप सक्सेस हो 100%, ऐसे सक्सेस के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो वही कर पाता है जो पढ़ा लिखा आदमी होता है। आज भी आप देखें वही कंट्री दुनिया में सबसे आगे हैं जहाँ पर एजुकेशन सबसे ज़्यादा आगे है, वही लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब आप दो कंट्री हैं दुनिया में, एक अमेरिका है और एक इंग्लैंड है। अमेरिका से डॉलर यानी कि पैसे का संबंध है, और दूसरे से टाइम का संबंध है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि रसूल ने जो उनको पढ़ाने के लिए भेजा, एक पॉलिटेक्निक, एक ऐसी एकेडमी बनाई जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी हो और पॉलिटेक्निक भी हो। तो आज भी हमें इस पर गौर करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखें, और जो कौमें आगे निकल गई कि न्यूटन है, आइंस्टीन है, डॉक्टर हॉपकिंस हैं या और लोग हैं, तो देखिए उन्होंने कोई लिटरल कुरान नहीं पढ़ा, कुरान तो एक और भी है। तो इस दुनिया में, इस दुनिया को कुरान कहा गया है, असल तो वो कुरान है। तो जो लोग लिटरल कुरान पढ़ते हैं सिर्फ, वो उसके साइंस को अगर नहीं मिलाते इस दुनिया से, तो वो लिटरल कुरान के सही मीनिंग को नहीं जान पाते। तो मैं ये चाहूँगा कि जो साइंस बिखरे पड़े हैं, जहाँ साइंस की लैब हो, एस्ट्रोनॉमी की लैब हो, जहाँ एस्ट्रोलॉजी की लैब हो, वहाँ पर कुरान पढ़ाया जाए। मैं मिस्र गया, वहाँ मैंने वहाँ शेखुल जामिया से बात की, वो बोले हमारा तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मदरसा है जामिया अज़हर, ये इजिप्ट की बात है, 2019 में मैं गया था वहाँ, और 3 जनवरी को हम लोग वहाँ उतरे थे काहिरा में। तो मेरा सबसे ज़्यादा शौक ये था मैं जामिया अज़हर जाऊँ देखूँ। तो वहाँ पर कोई लैब नहीं थी, किसी किस्म का रिसर्च का इंतज़ाम नहीं था, और कुरान में आया है कि हमने बॉडी जो थी फिरौन की उसको निशाने के लिए बनाया है,
और ये काम वो ख़ुद नहीं कर सके, जबकि अरबी में कुरान वो पढ़ते थे, उनकी मदर टंग अरबी है। तो मैंने जब उनसे ये बात कही तो वो ताज्जुब कर गए, बोले हाँ ये आपने सही कहा, हम लोग इसे अकीदत से पढ़ते हैं और हम इसको मोहब्बत के साथ और दानिशमंदी के साथ, प्रैक्टिकल विजडम के साथ, या इससे जो फैक्ट्स इसमें छिपे हुए वो नहीं हम जानते। तो मैं फिर यही कहूँगा आखिर में कि देखिए इकरा का मतलब उस वक्त जब कुछ पढ़ने को डाको तब भी कहा गया है कि बी प्रैक्टिकल, गेट द विजडम। तो हमें हर तरह से विजडम हासिल करनी है और अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, कॉन्शियस लेवल पर रखना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम समझेंगे या हम कुरान को सही समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।